बंड इग्नोर कर दिएगा, हेयर बंड मेरे पास नहीं था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बालों को घर में कैसे कट डाउन कर सकते हैं, कैसे उस पर आप कलर ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, चाहे वो कलर कोई भी, चाहे वो फैशन कलर हो या कोई भी कलर हो, आप उसको अपने घर में उसको आप कट डाउन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मैं आपको प्रोडक्ट्स बता दूँगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होंगे इसके लिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि कट डाउन घर में कैसे होता है। तो बहुत ईजी है, अभी तो मैंने खैर कलर कर लिया है, मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूंगा, रिवाइंड करवा दूंगा कि कितनी देर तक आपको उसको लगाना है अपने बालों में और कितनी क्वांटिटी में आपको कितनी टेबल स्पून इसके डालने हैं ब्लीच की और पाउडर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दूंगा कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया, कहाँ से मैंने लिया। और चले मैं आपको इसे थोड़े बता दूँ, कट डाउन होता है एक्चुअली कि बालों पर ब्लीच करना वो घर में भी कर सकते हैं, आप बाहर करवाएंगे तो बाहर उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, बाहर उसके चार्जेस हो जाएंगे 1600, 1800, 2000। लेकिन अगर आप घर में करेंगे तो घर में आपको थोड़ा बेनिफिट्स मिल जाएगा, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट वो लगाएंगे प्रोडक्ट आप ख़रीद लें तकरीबन 1000 रुपये तक के, 1100 रुपये तक के आ जाएंगे। उसके बाद आप अपने घर में ला के मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से कट डाउन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप, कम अज़ कम ये कट डाउन ये करने के बाद, ये लगाने के बाद जो पाउडर हैं आपको कम अज़ कम 40 से 45 मिनट तक ये कलर हमने ऊपर ये ब्लीच आपको अपने सर पे रखनी है और इसको नहीं हटाना है 45 मिनट। अगर ऑलरेडी आपका कट डाउन है, आपका कट डाउन हुआ हुआ है तो आप 40 मिनट तक इसको अपने सर पे रखें, और अगर आपका कट डाउन नहीं है, फर्स्ट टाइम ना कट डाउन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको कम से कम एक घंटा 60 मिनट्स इसको आप रखें अपने सर पे। इससे ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छा और कलर फेयर और डार्क आएगा। अभी देखिए मैंने रखा हुआ है, ये कलर आना शुरू हो गया, ये अभी मैं इसको वॉश करूँगा फिर आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा। वॉश करने के बाद इसके ऊपर कलर चढ़ेगा, वो कलर भी मैं आपको दिखाऊँगा कलर कितनी क्वांटिटी में डालना है, और वो कलर भी आप देखिएगा किस तरीके से वो मैं कलर डालूंगा मिक्स करके बनाऊँगा वगैरह वगैरह। तो चलें चलते मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ कि कितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या डालना। सबसे पहले ये देख लें आप, क्यूनी का क्रीम ब्लॉन्ड है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपको आसानी से किसी भी स्टोर से मिल जाएगा और ये क्यूनी के डेवलपर है। क्यूनी के इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आते हैं क्यूनी के। 40 वॉल्यूम आपको इस्तेमाल करना है, अगर आपका कट डाउन फर्स्ट टाइम है तो आप 40, 46, 50 इस्तेमाल करते हैं, और अगर हो चुका है तो आप उसको 30 या 20 इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कट डाउन हुआ हुआ है तो मैं इस पर 40 वॉल्यूम फिर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डार्क कलर चाहिए। तो उसको मैं आपको बता दूँ कितने कितने डालने हैं। एक टेबल स्पून ये स्पून आपको दिख रहा होगा, ये पाउडर आपको दिख रहा होगा, ये पाउडर आपको इसके अंदर डालना है एक टेबल स्पून, फिर एक टेबल स्पून और, यानी कि टोटल 2 टेबल स्पून आपको इसके अंदर डालने हैं पाउडर के। 2 पाउडर के स्पून डालने के बाद आपको इसके अंदर जो मैंने आपको ब्लीचिंग क्रीम दिखाई है डेवलपर, उस डेवलपर में आपको कम से कम 4 टेबल स्पून डालना है। ये देखें आप डेवलपर, इसके अंदर आपको 4 टेबल स्पून डालने हैं, 1, 2, 3, 4 टेबल स्पून उसको डालना है, और अच्छी तरह ब्रश के साथ मैं आपको बता दूँ कैसे मिक्स करना है। फिर अच्छी तरह आपको इसके साथ ऐसे इसको मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बना चुका हूँ, आपको अच्छी तरह इसको ऐसे 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 मिक्स कर लेना जब तक ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए जैसे कलर हो गया है, इसके अंदर डेले या कोई और रेशे वगैरह ना, उसको बिल्कुल मिक्स कर लें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ताकि आपको आसानी से इसको हेयर पर अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या इस्तेमाल करना है, कितना कितना आपको इस्तेमाल करना है क्वान्टिटी में, तो मैं आपको दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून आपको मैंने वाइट क्रीम दिखाई थी ब्लीचिंग, वो इस्तेमाल करनी है, और 4 टेबल स्पून आपको 4 टेबल स्पून पे वॉल्यूम 40 इस्तेमाल करना है, और अच्छी तरह मिक्स वेल कर लेना उसके ऊपर अपने हेयर पे अप्लाई करें। अभी देखिए मेरे पे देखिए सूखा नहीं है, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपके बालों में जब्स हो जाएगा, ये जब जब्स हो जाए बिल्कुल फिनिश हो जाए आपके बालों से। फिर आप इसको जाके अच्छी तरह शैम्पू कर लीजिएगा, शैम्पू के बाद फिर आप इसको अच्छी तरह ड्राई कर लीजिएगा, हेयर ड्राई नहीं तो तौलिया और टॉवल से साफ कर लीजिएगा। सुखाने के बाद फिर आप इसके ऊपर वो कलर इस्तेमाल करेंगे जो मैं कलर आपको आगे जाके दिखाऊंगा, ट्यूब जो दिखाऊंगा क्वांटिटी बताऊंगा, वो कलर आपको इस्तेमाल करना है कि कितने आपको क्वांटिटी में वो भी बता दूंगा, कितनी देर वो भी लगाना है और कितनी देर इसके कितनी देर बाद आपको उसमें शैम्पू करना है और कब तक उसको लगा के रखना है वॉश। तो अभी मैं इसको देखता हूँ जब तक सूखता है, फिर इसकी अगली आगे के पार्ट शुरू करते हैं। बाल सूखने फाइनली देखने आप कट डाउन हो चुके हैं, इस पर आप कलर रिजल्ट देख रहे हैं कितना प्यारा आ चुका है। अब हम इस पर अपने कलर मारेंगे, कलर करने के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कलर अप्लाई करना है अपने बालों पे। देखेंगे बिल्कुल फ्रेम से हमने किया है कि ना ज़्यादा ऊपर हुआ है ज़्यादा नीचे, बिल्कुल सेम हुआ है पोजिशन में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में, वो दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको कलर बनाना है, कैसे हमने हेयर पर आपको अप्लाई करना है।
तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं इसको इसमें डालूंगा, ये बोतल आधे के हिसाब से हम इसको डालेंगे। देखते रहना आपको इसको कि बिल्कुल बराबर ही क्वांटिटी हो, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए इसकी लास्ट में। हमने अप्लाई कर लिया हमने सर पे, तो ये आपको भी इसी तरह प्रॉपर कलर अप्लाई करना है। खुद नहीं करे, किसी और से करवा ले तो बेहतर है, क्योंकि कलर उससे अच्छा रिव्यू आएगा, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। जड़ों में भी करें, इसके बाद जो रिज़ल्ट आता है फिर मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरे कट डाउन के बाद और कलर अप्लाई करने के बाद कैसा रिज़ल्ट आता है। तो देखें, कलर आ चुका है, बहुत बेहतरीन ब्लोंड कलर आया है ये। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लाजमी आप लोगों को, आपके कमेंट और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा लोग, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।